अटैक ऑन टाइटन का बिल्कुल फाइनल एपिसोड, आखिर इसकी एंडिंग में क्या हुआ भाई साहब, और क्या हमारे जो एरन है क्या वो जिंदा है या फिर वो मर चुका है, इन सब पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और क्या इसके आगे भी कोई पार्ट आने वाला है, इन सब पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन जो कि 10 सालों के बाद कंप्लीट हुआ है। अब देखो यार, तुम लोग अगर ये वीडियो देखने आओ तो फिर मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने अटैक ऑन टाइटन का जो ये फाइनल एपिसोड है वो देख लिया होगा, तभी तो ये वीडियो देखने आयो, वरना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो मैं सीधे एंडिंग पर आता हूँ कि देखो एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो एरन है उसको मार देती है मिकासा। हाँ तुमने सही सुना, उसकी जो गर्लफ्रेंड है मिकासा वही जो है उसका सर कलम कर देती है और फिर उसके सिर को उठाकर किस करती है। हाँ तो फिर इतना समझ लो कि यहाँ पर जो है ना एरन की हो चुकी है डेथ, तो फिर क्या ये सच में एरन मर चुका है, क्या हमें एरन अब कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर इसका जवाब तो हम लोग आगे चल के वीडियो में देंगे। लेकिन बात करें एंडिंग के बारे में ना, तो फिर देखो एंडिंग में क्या होता है कि एरन की हो जाती है डेथ जहाँ तक कि हमको दिखाया जाता है। उसके बाद जो है ना हमारी जो मिकासा है वो काफी डिप्रेशन में चली जाती है, काफी दुखी होती है, सब लोग काफी दुखी होते हैं एरन की डेथ को लेकर। लेकिन बाकी जो भी है वो लोग होते हैं वो काफी खुश होते हैं कि भाई रंबलिंग रुक गई, हम लोग बच गए, इंसानियत बच गई। और एरन के मरते ही क्या होता है कि जितने भी टाइटन्स थे पूरे धरती पर, जहाँ पर भी टाइटन्स थे ना, वो सबकी जो है टाइटन पावर चली जाती है और वो लोग जो है ना फिर से वापस इंसान बन जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ होता है उनके लिए। फिर जो मिकासा होती है वो एरन का जो है ना सिर लेकर चली जाती है वहीं पर, उसी प्लेस पर जहाँ पर वो लोग सबसे पहले एपिसोड में बैठे हुए थे। हाँ वही पेड़ के नीचे जहाँ वो दोनों बैठे हुए थे साथ में, वहीं पर जो है ना वो उसे ले जाती है, वहीं पर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है। मतलब समझ रहे हो, जहाँ से पहला एपिसोड शुरू हुआ था एपिसोड का अंत भी वहीं पर हुआ है, उसी पेड़ के नीचे, उसी ट्री के नीचे, और वहीं पर जो है ना हमारे एरन की ग्रेव भी बनी। फिर हमें काफी इमोशनल मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो है ना हमारे दोस्तों को शारजा देखने को मिलती है, फैल्को को गैबी देखने को मिलती है, हमारा जो वो राइनर होता है उसे अपनी माँ मिल जाती है, वो अपनी माँ से बातें करता है, और भी काफी सारे इमोशनल सीन्स होते हैं। मिकासा जो है वो बात करती है यामिर से। हाँ तुमने सही सुना, यामिर जो कि इन सबके पीछे थी ना, वो उससे बात करके और वो उसकी तकलीफ समझती कि भाई देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था और इसी वजह से तुम इतना कुछ कर रही हो। और मजे की बात तो ये है कि यामिर ने ये सिर्फ प्यार के लिए किया, वो भी एक तरफा प्यार के लिए, मतलब इतने इंसानियत वो खत्म करने चली गई थी वो। उसके बाद जो है ना हमें ये दिखाया जाता है कि टाइम काफी पास हो चुका है, और उसके बाद मिकासा जो है वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और काफी ओल्ड हो चुकी है, और वो जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को बता रही है कि देखो ये एरन है जो कि मेरा काफी अच्छा दोस्त है और ये उसकी ग्रेव है, ठीक है। और क्या होता है इसके समय के साथ जो है ना मिकासा की भी हो जाती है डेथ, हाँ क्योंकि ओल्ड एज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा हमें दिखाया जाता है इसके फाइनल एपिसोड के अंदर, कुछ फाइनल मोमेंट्स के अंदर। उसके बाद समय चलता जाता है, बीतता जाता है, उसके बाद काफी जनरेशन निकल जाती है। उसके बाद फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें सबसे आखिरी मोमेंट पर भी ये देखने को मिलता है कि वो जो पेड़ था जहाँ पर मिकासा बैठी थी, जहाँ पर एरन का ग्रेव था ना, वो अभी भी है, जनरेशन बदल गई है, काफी साल हजारों साल निकल गए लेकिन वो पेड़ अभी भी, और वो पेड़ बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और आखिर में हमें ये देखने को मिलता है कि उस पेड़ के पास एक लड़की आती है जो कि थोड़ी मिकासा से ही रिसेंबल करती है, जो कि थोड़ी मिकासा जैसी ही लग रही थी। वो जो बच्ची आती है वो पेड़ के पास जाती है और वहीं पर जो है ना एपिसोड खत्म हो जाता है और ये यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। लेकिन क्या ये सच में एंडिंग है अटैक ऑन टाइटन की, क्योंकि हम जानते हैं कि अटैक ऑन टाइटन ने हमें कितना खींचा है, क्या कितनी बार कहा है कि ये एंड है, लेकिन एंड नहीं होता बल्कि उसके बाद भी कोई एपिसोड आता है। और जहां तक हमारा सवाल था कि क्या एरन जिंदा है या फिर मर चुका है, तो फिर हाँ वो मर जरूर चुका है, आप लोग कुछ भी कर लो लेकिन वो जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हमें साफ साफ दिखाया गया है कि एरन मर चुका है, उसका गला कट चुका है, उसकी ग्रेव बन चुकी है, मिकासा भी मर चुकी है, मेन कैरेक्टर जो है इस पूरी सीरीज को मर चुके हैं, तो फिर नया एपिसोड कहाँ से लाओगे, क्या तुम एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो? शायद हाँ, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होगा, और वैसे भी इतना झंझट नहीं करेंगे, 10 साल से ये शो चल रहा है और इसका अंत तो आना ही था, और ये अंत मेरे ख्याल से काफी सैटिस्फाइंग था, तुम भी मानोगे। जहाँ पर हमें एक तरफ एरन का क्रूअल साइड दिखाया जाता है, तो एक तरफ वही साइड दिखाया जाता है जो कि वो एक्चुअल होता है, सिर्फ एक सीन में इस पूरी सीरीज के सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन में हमें एरन का असली चेहरा दिखाया गया, जब वो आर्मिन से बात करता है और वो कहता है कि मुझे मिकासा के साथ रहना है, मुझे मिकासा के साथ फैमिली बनानी है, मैं मिकासा को जाना नहीं देना चाहता, वो असली एरन होता है ना कि हमारा कोई भी एरन। तो फिर मेरे ख्याल से तो ये काफी सेटिस्फाइंग और काफी अच्छी एंडिंग थी अटैक ऑन टाइटन के लिए, काफी अच्छा फेयरवेल था। और मैं वैसे भी चाहता हूँ कि इसके बाद ना आए अटैक ऑन टाइटन, क्योंकि अगर इसके बाद कोई एपिसोड आया तो फिर मुझे तो यही लगेगा कि इसको खींचा जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। ये काफी अच्छी सीरीज थी और मैं जानता हूँ तुम्हें भी ये सीरीज काफी पसंद है, तो फिर कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना जरूर तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी, और तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, कौन है तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर, कैप्टन लीवाई, एरन येगा, मिकासा, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूँ भाई साहब।